आज रामेश्वर जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनको कहा आप चुनाव हार गए, आप चुनाव लड़ो। जो चुनाव लड़े दूसरे कांग्रेस से उनको भी कहा आप चुनाव लड़ो, लेकिन आरएलपी से चुनाव लड़ो, क्योंकि खींवसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की शुरुआत इस खींवसर की धरती से। उन लोगों ने कहा कि आरएलपी से हम नहीं लड़ेंगे, तो मैंने कहा आरएलपी से अगर नहीं लड़ोगे और खींवसर में आरएलपी नहीं जीती तो मेरी करी कराई मेहनत में पानी फिर जाएगा कि हनुमान बेनीवाल उस सीट को सुरक्षित नहीं रख सका जिस सीट ने राजस्थान को एक नई दिशा दी थी, एक लड़ने वाला योद्धा राजस्थान को दिया था। तब मैंने कहा कि आप बताएं, तब सबकी इच्छा थी कि आप अपने परिवार से चुनाव लड़ाओ, आप अपने छोटे भाई नारायण को चुनाव लड़ाओ। मैं कह रहा था चुनाव नहीं लड़ा, मेरे सिंह जी बैठे, इन्होंने कहा साहब आप घर से चुनाव लड़ाओ, ये सरपंच साहब और बाकी लोग बैठे हैं। कहा मैंने इस बात का विरोध किया, मैंने कहा मेरे को लोग कहेंगे कि हनुमान जी तो खुद ही अपने भाई और अपने घर से ही राजनीति चलाने लगे, मेरे दिक्कत आएगी। तो खींवसर के तमाम जो मंच में बैठे लोग, इन्होंने मुझे कहा कि अगर आप अपने भाई को चुनाव नहीं लड़ाओगे तो हम फिर जरूरी नहीं सीट आपको जीता। मुझे डराया धमकाया और मैं मान गया कि नहीं मानता, मुझे पता मेरी तरह जिद्दी है, जिस तरह मैं जिद्दी हूँ ये मेरे से ज्यादा जिद्दी है। मैं समझ गया टाइम पे, मैंने कहा ठीक है जिता दोगे जिता के ले आएंगे। उस वक्त के चुनाव को जो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था, आज चुनाव हुए राजस्थान के अंदर अभी उपचुनाव, उसमें छह चुनाव कांग्रेस की झोली के अंदर गए, एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी का राजसमंद के अंदर और एक चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती खींवसर के अंदर। 50 विधायक और 15 से ज्यादा मंत्री, पूरी राजस्थान की सरकार मुझे घेरने के लिए आरएलपी के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए इस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया कि 20 साल के अंदर जो भी पुलिस के थानेदार से लेके एसपी तक जितने भी खिलाफ थे किसानों के और मेरे, उन सब की एडिशनल ड्यूटियां लगा दी और हर बूथ पे 100-100 जवानों को खड़ा कर दिया, डराया धमकाया लोगों को। कुचेरा गांव के अंदर बूथ कब्जा करने की साजिश की, लेकिन मेरे छोटे भाइयों ने इस चुनाव को गहलोत वर्सेज हनुमान बना दिया, आम जनता का चुनाव बना दिया कि आम जनता जीतती है या राजस्थान की निरंकुश सरकार जीतती है, और आप हिले नहीं, मजबूती से रहे और पुलिस भी बैठी रह गई। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो नया इतिहास इस राजस्थान की धरती पर लिखा गया कि खींवसर वो इलाका है जो नाराज होने के बाद भी निर्णय वही करते हैं जिस निर्णय का अंतिम परिणाम किसान हित में होता है। आपने अपने भाई को चुनाव जीता के एक बहुत बड़ी इज्जत राजस्थान के अंदर। मुझे याद है जब 2014 के अंदर, मैं तो यारी दोस्ती निभाने वाला व्यक्ति हूं, जिस नागौर प्रत्याशी की नारायण बात कर रहा था,